बेटा 7 तारीख को लौट के आए तो एक बहुत ही बड़ा हादसा होगा। इधर मेरे मामा जी एडमिट है 8-10 दिन से हॉस्पिटल कानपुर में। उनकी प्लेटें 15,000 रह गई थी, तो उस चक्कर में मामा ठीक नहीं हो पा रहे हैं और पेरिनल एब्सेस उनकी बीमारी है, उसको ऑपरेशन हुआ। इधर 23 तारीख को अभिषेक के पापा सुबह ड्यूटी जाते कानपुर PND स्कूल में, स्कूल से लौट रहे थे शाम को, तो उनको ट्रेन से एक्सीडेंट हो गो। इतनी ज्यादा ट्रेन में भीड़ थी, पता नहीं कोई ने धक्का मार दो कि पैर फिसल गो। भीड़ के कारण वो ट्रेन के नीचे चले गए। जो स्टेशन पर आते आरपीएफ वाले उनने पापा को जल्दी से उठाओ, पूरे सर में लग गई, पूरी खोपड़ी इनसे फट गई, इन्हें सरकारी अस्पताल में रेफर कर दो। जब हम लोगों का पता चलो तो हम अभिषेक दोनों लोग गए, अकबरपुर पापा मिले थे हमें कानपुर। हम लोग जल्दी से हॉस्पिटल ले गए, जो भी हॉस्पिटल में ले जाए एडमिट नहीं करो कि इनमें कोई जान नहीं बची, हालत इनकी बहुत ज्यादा खराब है। 4-5 घंटा में अभिषेक के पापा खत्म हो चुके थे, बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। उस टाइम आप सबको कुछ बता नहीं सका, ब्लॉग में बिल्कुल मन नहीं लग रहा तो कि हम कोई वीडियो बनाए ब्लॉग बनाए। अभिषेक के पापा मेरे हमेशा वीडियो देखत रहते, अपने स्टाफ वाले इनका दिखा रहते कि ये शिवानी है, वीडियो बनाते हैं। अभिषेक मेरे संग रात बता रहते कि अभिषेक शिवानी के साथ रात है। हमारी 2-3 बार उनसे मुलाकात भाई, इतने अच्छे नेचर के थे, कुछ बता नहीं सका था आप लोगों का। उनको पूरा गांव रोए रहो तो जब वो खत्म भाई, इतने अच्छे नेचर के थे। अभिषेक की मम्मी की तो हालत बहुत खराब है, वो तो समझ नहीं पा रही है। एक तरफ से सब कुछ लुट गया उनको, उनके पापा ही उनके ना सब कुछ थे, ना इतनी ज्यादा ट्रेन में भीड़ होती, ना ऐसा हादसा होता, ना भी खत्म होते। हमसे मिलते तो यही कहते बिट्टी तुम्हारी वीडियो बहुत अच्छे लगा था, ऐसे तुम आगे बढ़ाओ, नाम रोशन करो। उनका देख कर अपने पापा की तसल्ली कर लेते कि हमारे पापा नहीं है, तब से के पापा इन्हीं का पापा कह लेते। आप सब यही दुआ करो कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ कहीं भी है अपने अच्छे से रहा है। मम्मी रुपया दे रही है, मम्मी मेला देखने जा रही है। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि शिवानी के साथ में रहने वाले अभिषेक उनके पापा का देहांत हो गया, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी मम्मी को संभालने की ताकत दे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।